नमस्कार, स्वागत है द फैक्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बैंक के क्षेत्र में नौकरी पाने की इच्छा रखने वालों के लिए बेहद खुशखबर साबित हो सकती है। जी हां, बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पूरे 303 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें से 294 पद बी ग्रेड ऑफिसर के लिए और 9 पद सहायक प्रबंधक के लिए आरक्षित किए गए हैं। अगर आप इस एग्जाम में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी आयु 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि अब आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किस तरह कर सकते हैं। आप RBI की ऑफिशियल वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 18 अप्रैल है, तो 18 अप्रैल 2022 तक आप इस एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास में एबिलिटीज क्या क्या होनी चाहिए। अगर आप ये एग्जाम फाइट करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपने किसी भी विषय में कम से कम 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन की हो। इन अंकों में SC ST और PWD के लोगों को कुछ छूट दी गई है। अगर उन्होंने 55% तक अंकों के साथ ग्रेजुएशन की है तो वो ये एग्जाम फाइट कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, अगर एग्जाम फाइट करने के बाद आप पास हो जाते हैं तो आपको सैलरी क्या मिलेगी। बता दें कि RBI में सिलेक्ट होने के बाद में आपको 83,000 रुपए तक की सैलरी मिलेगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसका एग्जाम रिटर्न टेस्ट के साथ साथ इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सैलरी के अलावा RBI के गाइडलाइन के अनुसार समय समय पर आपको भत्ते भी दिए जाएंगे। तो अगर आप भी RBI में नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं तो आज ही अपना आवेदन कीजिए। नमस्कार।